स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का हमारे चैनल में। और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप करके मत जाएं, और ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। साल एवं शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। अब से 6 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाएगा। तो शेखर की वर्तमान आयु क्या है? BOI बैंक ऑफ इंडिया GBO एग्जाम 24/1/2010 में आया था, और इसमें 4 ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसके क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, सबसे पहले जो आपकी ये आयु का अनुपात दिया है, विशाल का और शेखर का, ठीक है, इनका अनुपात 14 और 17, ये आयु की आयु का अनुपात है, ना कि आयु है वर्ष में। और जब अनुपात दिया है तो अगर उसे वर्तमान में बदलना हो तो किसी यूनिक क्वांटिटी एक्स वाई या के से जेड से गुणा कर दे। हमने एक्स कॉन्स्टेंट मिट्टी से गुणा कर दिया, अब ये आयु बन गई। पहले ये अनुपात था, अब इसकी आयु हो गई, और ये वर्तमान आयु है 6 साल बाद। 6 साल बाद हमेशा बाद के लिए उसमें जोड़ा जाता है और पहले के लिए घटाया जाता है। तो 6 साल बाद बच्चों इसकी आयु हो जाएगी 17+6x और इसका 14x+6x, ठीक है, सॉरी प्लस 6 आ जाएगा। दोनों की आयु में 6 साल की बढ़ोतरी हो जाएगी। और ये अब ये करंट की आयु नहीं है, ये 6 साल बाद की आयु है। और उसकी आयु को अगर हम तोड़ करके या सिंप्लीफाई करते हैं तो उसका अनुपात निकलता है 17 और 20 का, ठीक है। अब इसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे, ये अनुपात उस टाइम का अनुपात हो गया जो हमने, और ये ऑलरेडी गिवन अनुपात है। इनको क्रॉस करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 × 28 17 × 20 है 280x प्लस 120 बराबर होगा 289x 17×6 102। आ गए बात समझ में? हमेशा पहले इधर वाले को फिर इधर वाले को। देखिए, इनका अंतर जो आ रहा है वो 9x आ रहा है, इनका अंतर जो आ रहा है 18 का आ रहा है, ठीक है। 9 × 2 तो x की वैल्यू कितना आ गई? 2 आ गई। अब इसमें शेखर की वर्तमान आयु, तो शेखर की आयु कितना है? 17x है, 17 × 2 और ये बराबर हो गया 34 साल। तो इसमें ऑप्शन जो है तीसरा सही है। ऐसे 6 वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए दोस्तों और बच्चों, देखें यहाँ पे क्वेश्चन है कि टीना और राकेश के वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। जो अनुपात दिया है टीना और राकेश का दिया है, टीना और राकेश, इनकी आयु का अनुपात वर्तमान का अनुपात 9:10 है, तो आयु 9x और 10x हो जाएगी। अगर अनुपात 9 और 10 है तो आयु 9x और 10x, इसे हम मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके 10 साल पहले के लिए हमेशा उम्र को घटाया जाता है, और अगर बाद के लिए हमेशा जोड़ा जाता तो 10 साल पहले दोनों की 10 साल घटेगी। और उस टाइम जो अनुपात था वो 4:5 का था, मतलब उनके बीच में 4:5 का अनुपात था। 10 साल पहले जो आयु थी उनका अनुपात 4:5 था। ये आयु है, अगर इसे कैंसिल किया जाए तो भी अनुपात में आएगा, इसलिए इसको हम क्रॉस करके सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया 45x होगा 50 बराबर 40x माइनस 4×40, ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन नहीं आया? अब देखिए यहाँ इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 45-40 का अंतर 5x आएगा, 50 और 40 का अंतर 10 आएगा, माइनस को मत देखिए, दोनों माइनस है तो अंतर निकाल लो बस, गैप इससे कटा 2 बार में, ठीक है। अब राकेश की आयु पूछा गया है, राकेश की आयु है x बराबर कितना आया है 2, तो राकेश की जो आयु आएगी 10 × 2 और ये बराबर हो गया 20 वर्ष। तो इसमें 20 वर्ष कौन सा है? ऑप्शन सी सही है। ऐसे अच्छे वीडियो देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए बच्चों, देखिए क्वेश्चन क्या है कि भक्ति और नील की वर्तमान आयु का अनुपात 8 और 7 है, मतलब जो भक्ति है और जो नील है उन दोनों के बीच में 8 और 7 का अनुपात है, आयु के का जो अनुपात है और 8-7 का है। अगर इसको हम x लगा दें तो इसकी आयु मान लेते हैं कि इसकी आयु 8x और 7x है। 6 साल बाद ये अनुपात 19:17 का होता था। 6 साल में ये दोनों बढ़ जाएंगे कितना? 6 साल बाद, जितने साल बाद है उतने ही साल बढ़ेंगे,
ठीक है। और तब अनुपात इनका 19 और 17 का हो जाता है। ये 6 साल बाद की आयु, ये वर्तमान की आयु है 8x, 6 साल बाद 8x प्लस से होगा, 7x वर्तमान है तो 6 साल बाद 7x प्लस से होगा, और उस टाइम उनकी आयु का अनुपात 19:17 हो जाता है। और ये भी अनुपात ही कर लो और इसको क्रॉस से गुणा कर दो, तो 17 8 136 है, 17 6 102 19 133 x 114, ठीक है। अब देखिए इसका अगर अंतर निकालेंगे तो 3x आएगा, इसका अंतर निकालेंगे तो 12 आएगा, मतलब 3 चौक 12, ठीक है। तो x बराबर 4 हो गया, तो इनकी आयु का अंतर कितना, अब इनका इनकी आयु आ जाएगी 8 × 3 = 24 साल, ठीक है, और इनका हो जाएगा 7 × 3 = 21 साल। अब 32 हो गया और ये 4 है तो ये 28 हो गया। अब यहाँ पर जो 32 है और ये 28 का जो अंतर आ रहा है कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 साल, मतलब पहला ऑप्शन सही है। ऐसे अच्छे वीडियो को जरूर देखिए अंत तक। क्वेश्चन है अमित तथा उनके पिता की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है, आपसे 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 5:11 हो जाएगा, तो 5 साल पहले पिता की आयु पूछा है। अब 5 वर्तमान की नहीं पूछा है, वर्तमान का अनुपात दिया है, 4 साल बाद की आयु का अनुपात दिया है, लेकिन 5 साल पहले की आयु पिता की आयु पूछ रहा है, बेटे की नहीं पूछ रहा। तो दोनों के भी पूछा जा सकता है, एक का पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ों का बहुत ध्यान रखें, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आपको जैसे अभी तक सॉल्व करते आए हैं वैसे ही सॉल्व करना है। अब यहाँ देखिए ये अमित है और ये पिता है, ये फादर है। अमित की आयु का अनुपात 2 और 5 है, आयु का अनुपात वर्तमान का 2:5 है, तो आयु 2x और 5x हो जाती है। 4 साल बाद, तो 4 साल बाद में ये 4 दोनों 4 साल बड़े हो जाएंगे, और तब उनकी आयु का अनुपात 5 और 11 का हो जाता है। क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि देखिए ये वर्तमान आयु का अनुपात है, हमने x से गुणा करके इसकी इसको आयु में बदल दिया। जब वर्तमान आयु पता चल जाएगी तो आपको जितने साल बाद की होगा उतना प्लस दोनों में करना है, दोनों बड़े होंगे, 7 2 है तो 2 3 है, तीनों में उतना ही जोड़ा जाएगा, और अगर पहले का है तो दोनों में उतना ही घटाया जाएगा, और तब उनकी जो आयु का अनुपात बनेगा वो काट के आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये कटेगा तो है नहीं, ऑलरेडी इनका अनुपात दिया हुआ है। अब यह एक ही बात है, चाहे ऐसे सिंप्लीफाई करके अनुपात निकाले या जो निकाला हुआ है। अब इनको क्रॉस करेंगे तो 22x होगा, 44 आ जाएगा, ये हो गया 25x और ये 20 आ गया। देखिए इनका अंतर 3 आता है और इसका अंतर 44 में से 24 आता है, भाई 44 20 का x इससे काट के x, तो x बराबर हो गया 8। अब वर्तमान आयु क्या है, ये है वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु कितना है, 5 × 8 है तो बराबर हो गया 40। 5 साल पहले 5 यहाँ घटा दो कितना आ गया, 35। समझ में आया सवाल कि नहीं है भाई, पहले हमने x का मान निकाला, वर्तमान में पिता की पूछ रहा तो पिता वाले में जो मान निकला उससे गुणा करें, तो वर्तमान में आयु 40 साल का हो गया, और उससे 5 साल पहले, 5 साल पहले 5 और कम कर दो, 35 वर्ष का, ये ऑप्शन 14 सही है। लेकिन अगर इसी में अगर बेटे का पूछा होता या अमित का पूछा होता तो इसको 8 से गुणा करने के बाद उसका 5 घटाते तो उसकी आयु आ जाती, और इस तरह से बाद और या पहले के क्वेश्चनों को हम हल करते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो हमारे आने वाले अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचेगा। तो और वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।